जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस वसूली कारोबार चला रहा था। पिछले 5 साल में ही लॉरेंस गैंग ने 4 करोड़ की फिरौती वसूली। यह वसूली पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और चंडीगढ़ के कारोबारियों से की गई। दिल्ली में कुछ सट्टेबाजों को लॉरेंस गैंग ने वसूली का टारगेट बनाया। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में पंजाब लाए लॉरेंस से पूछताछ के बाद यह खुलासा हुआ है। लॉरेंस गैंग ने करीब 25 कारोबारियों को निशाना बनाया, जिनमें 2 साल पहले चंडीगढ़ के एक शराब कारोबारी से भी 30 लाख की वसूली की गई, जिसमें वसूली के लिए घर पर फायरिंग भी की गई। हालांकि पुलिस अभी लॉरेंस गैंग का टारगेट बने कारोबारियों की सुरक्षा के मद्देनजर नाम का खुलासा नहीं कर रही है। यह पैसा कनाडा और थाईलैंड में ठिकाने लगाने का भी पता चला है। पुलिस पूछताछ में पता चला कि रंगदारी की करोड़ों की रकम से लॉरेंस गैंग ने आधुनिक हथियार खरीदे। वहीं गैंग में शामिल अपने गुंडों को अय्याशी कराई। वसूली की रकम का काफ़ी हिस्सा कनाडा बैठे गुंडों गोल्डी बराड तक भी पहुंचा। कुछ पैसा थाईलैंड भी भेजा गया। पंजाब पुलिस इस बात की भी छानबीन कर रही है कि जिन कारोबारियों से रंगदारी ली गई वह पुलिस के पास आए या नहीं। 5 देशों और 7 राज्यों में फैला लॉरेंस गैंग। सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस गैंग के 5 देशों और 7 राज्यों में एक्टिव होने का पता चला है। भारत के अलावा कनाडा, दुबई, ऑस्ट्रेलिया और मेक्सिको में लॉरेंस गैंग के गुंडे एक्टिव हैं। वहीं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश में गैंग एक्टिव है। गैंग के साथ करीब 1000 लोग जुड़े हुए हैं, जिनमें करीब 700 सर्प शूटर्स के अलावा हथियार सप्लायर्स और रैकी मुखबिर करने वाले गुंडे हैं।